यहाँ पर मैंने फिनाइल करा है, ये जो पार्ट है रेडिएटर का विंड पाइप लेके, इसका मेरा कॉस्ट पड़ा था 12,500 2,200 रुपीज पड़ा था विद इंस्टॉलेशन, चारों इंडिकेटर सॉफ्ट क्लूज से मैं लिया था एंड सर्विस चार्जेस लेके 3,600। ये है आपका सीएड जूम रेड एक्स वन, ये एडजस्टेबल लीवर है, इसका मेरा कॉस्ट पड़ा था 1,500। What's up guys, welcome back with another video. आज है अपने सामने अपना दोनों डेविल, अपना RS एंड अपना NS, एंड आज के इस वीडियो में मैं ये दोनों बाइक का एक छोटा सा कंपैरिजन करने वाला हूँ, जहाँ पे इस दोनों बाइक के अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज़ है एंड क्या क्या डिफरेंस है, उसी के ऊपर आज का ये छोटा सा वीडियो होने वाला है। तो चैनल में जो भी नया है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए एंड चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है अपना RS एंड अपना NS, एंड अपना RS BS4 है एंड अपना NS जो है वो BS6 है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन से। इंजन स्पेसिफिकेशन का अगर मैं बात करूँ, दोनों ही बाइक 199.5 सीसी का इंजन है, 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है, लिक्विड कूल्ड इंजन है, पर अपना RS का जो BS4 मॉडल है उसमें 24.5 BHP है एंड अपना NS में जो BS6 है उसमें 24.5 BHP है। एंड फ्यूल टैंक अगर मैं बात करूँ, फ्यूल टैंक अपना NS में है 12 लीटर्स एंड अपना RS में है 13 लीटर्स, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। शुरू में भी इसका 13 लीटर्स ही था तो अभी भी 13 लीटर्स ही है। ब्रेक्स का अगर मैं बात करूं, दोनों बाइक्स में ही आपका सिंगल चैनल ABS दिया गया है, हालांकि अगर मैं BS6 का मैं बात करूं RS में, आपको RS में डुअल चैनल ABS मिल जाता है, पर आपका NS में BS6 में भी सिंगल चैनल ही ABS मिल जा रहा है। व्हील्स में दोनों बाइक में ही अलॉय व्हील्स मिल जा रहा है एंड टायर्स में दोनों बाइक में ही फ्रंट में 100 एंड पीछे 130 mm का टायर मिल जा रहा है। सीट हाइट अपने RS में 810 mm का मिल जा रहा है एंड अपने NS में 805 mm का मिल जा रहा है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, जस्ट 5 mm का डिफरेंस है। एंड मैं अगर ग्राउंड क्लियरेंस का बात करूँ, अपने NS में 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जा रहा है, उसी हिसाब से अपने RS में 157 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जा रहा है। लाइट्स का अगर मैं बात करूँ, दोनों बाइक्स में ही हेलोजन लाइट्स दिया गया है एंड छोटा सा DRL भी दिया गया है। अपना NS में यहाँ पे है अपना DRL एंड अपना RS का जो DRL है वो थोड़ा दिखने में और ज़्यादा थोड़ा आँखों के ऊपर का जो आईब्रोज है उसकी तरह दिखने में लगता है, वो काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है मुझे। एंड टेल लाइट्स अपना RS एंड NS दोनों बाइक में ही LED में ही दिया गया है। एंड इंडिकेटर्स का अगर मैं बात करूँ, अपना RS में शुरू से ही LED इंडिकेटर्स दिया गया है, पर अपना NS में वो नॉर्मल वाला इंडिकेटर्स था जो अपना यहाँ पे मॉडिफाई किया गया है। यहाँ पे आपका डोमिनर वाला इंडिकेटर्स लगाया गया है एंड यहाँ पे फुटरेस्ट का जो कलर है उसको ब्लैक कर दिया गया है। हालांकि सेम BS6 में जो RS जो मिल रहा है उसमें भी फुटरेस्ट का कलर ब्लैक ही कर दिया गया है, पर जैसे आप देख सकते हैं BS4 में जैसे नॉर्मल सिल्वर कलर का मिल जाता था, पर अभी उस हिसाब से सेम कलर जो ब्लैक कलर है उसको RS में भी कर दिया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है अपना बैक पोर्शन आपका टायर का हिसाब से। जैसे आप अगर देख सकते हैं ये जो मॉडल जो है उस हिसाब से, ये कलर के हिसाब से ये जो ब्लैक कलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। एंड इसके अलावा मैं अगर बात करूँ, बाकी ज़्यादा बहुत ज़्यादा चेंजेस कुछ है नहीं, दोनों बाइक का ही पावर एंड कंपेरिजन सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है। सिटिंग पोस्चर का अगर मैं बात करूँ, अपना RS अपना NS से थोड़ा एग्रेसिव ज़्यादा है एंड NS में अगर आप लोग देख सकते हैं, अपना NS का जो सिटिंग पोस्चर है वो ज़्यादा रिलैक्स है अपना RS के हिसाब से एंड बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस कुछ है नहीं दोनों बाइक का ही अगर पावर सेकंड का अगर मैं बात करूँ, ठीक है। एंड लुक्स का अगर मैं बात करूँ, दोनों बाइक्स का ही लुक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी है। अगर मैं अगर पावर का बात करूँ, पावर एंड माइलेज दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम ही मिल जा रहा है। अपना RS में भी डिमांड करता है 35 km/h, अपना NS में भी 35 km/h डिमांड कर रहा है, पर आफ्टर मॉडिफिकेशंस में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन कराए हैं उसके हिसाब से माइलेज में थोड़ा बहुत ज़्यादा अंतर आया है। पर एज अ स्टॉक अगर आप लोग हिसाब करेंगे, अगर जो भी कोई भी अगर मॉडिफिकेशंस आप लोग नहीं किए हैं इंजन में या कोई साइलेंसर में लाइक एग्जॉस्ट में, तो माइलेज आपका ऑलमोस्ट दोनों बाइक में ही सेम ही मिल जा रहा है। एंड बाकी तो ऑब्वियसली अपने चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप कैसे चला रहे हो, अपना बाइक को कैसे मेंटेन कर रहे हो, उसके ऊपर भी माइलेज डिपेंड करता है। एंड दोनों बाइक में ही हम लोग थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कराए हैं। तो अपना RS का अगर मैं मॉडिफिकेशन का बात करूँ, यहाँ पे जो मैं मॉडिफिकेशन जो कराया था वो आपका इसका जो स्टिकर्स है, जो डिकेलिंग है, इसका मेरा कॉस्ट पड़ा था 3,000 शॉप क्लूज से मैं लिया था एंड सर्विस चार्जेस लेके 3,600। एंड सेकेंड मॉडिफिकेशन जो इसमें मैं कराया था, अपना फ्रेम स्लाइडर्स जो अपना मैं अमेजोन से मंगाया था, इसका प्राइस मेरा पड़ा था 2,800, ये रोड रैश का है। एंड इसका अगर मैं क्वालिटी का बात करूँ, ऑब्वियसली पैसा वसूल है। एंड थर्ड जो मॉडिफिकेशन मैं कराया था, इसका जो एग्जॉस्ट है, ये एग्जॉस्ट एक्ट्रोपोविक का है, ये फर्स्ट कॉपी है एंड विंड पाइप लेके इसका मेरा कॉस्ट पड़ा था 12,500। एंड फोर्थ जो मॉडिफिकेशन मैं कराया था, इसका लीवर्स, ये एडजस्टेबल लीवर है, इसका मेरा कॉस्ट पड़ा था 1,500।
ये मैं मंगाया था ऑनलाइन से, ये अमेजोन में भी मिल जाएगा आप लोगों को, एंड उसके साथ साथ ऑनलाइन शॉप ऑफलाइन शॉप में भी मिल जाएगा, जहाँ पे आपका मॉडिफिकेशन का सामान मिलता है वहाँ पे भी आप लोगों को मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन मैं कराया था इसका डीवी वाइजर, ये मेरा कॉस्ट मेरा पड़ा था 600। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसका जो मैं रिसेंटली जो मॉडिफिकेशन कराया था जो है आपका इसका टायर, ये इसका जो रेयर जो टायर है 150 mm का टायर है, ये है अपोलो अल्फा H1, इसका मेरा कॉस्ट पड़ा था 5800। एंड इसका जो वीडियो है वो भी चैनल पे अपलोडेड है। एंड अपना NS में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन है नहीं अपना RS के हिसाब से। NS में आपका पहला जो मॉडिफिकेशन हम लोग कराए थे वो है इसका, इसमें हम लोग डोमिनार का इंडिकेटर्स लगाए हैं। तो ये इंडिकेटर्स कितना पड़ा था? 2200 rupees पड़ा था विद इंस्टॉलेशन, चारों इंडिकेटर। ये डोमिनार के इंडिकेटर्स है ना? डोमिनार के इंडिकेटर्स है, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद ये सिस्का का लैंप्स है, ये 50 rupees ईच पड़ा था, मतलब 100 pair, ठीक है, 50 rupees ईच, हाँ ठीक है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर मॉक्सी का जो हैजर्ड है वो इंस्टॉल कराया था। हैजर्ड ऑब्वियसली हैजर्ड मेरे में भी है, अपना एड्रेस में भी हैजर्ड है। हैजर्ड छोड़ के और यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा स्टिकरिंग का मैंने काम करा है लुक्स के लिए। यहाँ पे मैंने विनाइल करा है, ये जो पार्ट है रेडिएटर का, ठीक है। ये इसका ये इसका कॉस्ट कितना पड़ा था? इसका कॉस्ट 150 rupees पड़ा था। और सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन जब इसमें है, इसमें भी हम लोग अपना टायर इंस्टॉल कराया है, ये है आपका सीएड जूम रेडेक्स 1। और इसका मेरा प्राइस पड़ा 3800 इसका प्राइस हम लोग का पड़ा था। नॉर्मली ये पहले हम लोग इंस्टॉल कराए थे, ये इंस्टॉल कराने के एक हफ्ता बाद हम लोग अपना RS में भी अपना अपोलो अल्फा H1 इंस्टॉल कराए थे। एंड रिसेंटली आप लोगों का कमेंट भी आया था कि 150 mm का टायर इंस्टॉल कराने के बाद टायर हैगर जो है वो इंस्टॉल कराने का एक वीडियो लाने के लिए, वो भी उसके ऊपर भी जल्दी वीडियो आने वाला है। पर जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि टायर हैगर इंस्टॉल हो जा रहा है, पर दिक्कत का बात यह है कि जब कोई भी जर्किंग होता है या ज़्यादा अगर प्रेशर करते हैं तो उसके बाद टायर हैगर जो है वो टायर के साथ टच हो जा रहा है। तो नॉर्मली अगर आप लोग 150 वाला टायर जो इंस्टॉल करा रहे हैं, आप लोग आफ्टर मार्केट टायर हैगर इंस्टॉल कर सकते हैं, पर जो स्टॉक जो टायर हैगर है वो शायद थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, पर उसके ऊपर डिटेल में भी वीडियो हम लोग लाने वाले हैं। एंड दोनों बाइक का ही जो मॉडिफिकेशन है टायर का, उसका डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोडेड है। आप लोग जो भी अभी तक नहीं देखे हैं आप लोग जाके देख सकते हैं। पर अभी के लिए आज का वीडियो बस इतना ही। एंड हम लोगों के पास, हम लोगों के फैमिली में एक नया हम लोगों का मेंबर भी ऐड हुआ है, जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अपना मीटियर 350। एंड आप लोग अगर चाहेंगे तो इसके ऊपर भी जल्दी हम लोग एक वीडियो लाएंगे। तो भाई लोग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, लव यू ऑल। ये देखिए बाइक का ओनर, मतलब ये जो मीटियर जो है इसका ओनर देखिए पीछे खड़ा हुआ है। अरे भाई क्या हुआ भाई, वीडियो के सामने आ जाओ, कैमरा शाही गाय, पिछवाड़ा गाय देख रहा है।